कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, हम लोगों ने 7 आवर्स की जर्नी पूरी की और धर्मस्थला गेस्ट हाउस में चेक इन करने के बाद 32 किलोमीटर का रास्ता तय किया और श्रीशिला तीर्थ गए। वहां पे दर्शन करने के बाद हम लोगों ने 15 किलोमीटर टुवर्ड्स धर्मस्थला का रास्ता तय किया और हमें बीच में मिल जाता है साउथ एकड़ा श्री महागणपति टेम्पल, जो कि धर्मस्थला आने पे आपको जरूर ही विजिट करना चाहिए। ये यहाँ का एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है और बहुत ही फेमस जगह है। तो यहाँ से धर्मस्थला 16 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एंट्रेंस पे आ चुके हैं। तो हम जब यहाँ आ ही चुके हैं तो चलिए हम यहाँ की जगह की महत्ता के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ के लोकल से पूछा और मुझे कुछ यहाँ की जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो तुलु में सौते का अर्थ होता है खीरा और अकड़ा का अर्थ होता है खेत। तो कहा जाता है इस स्थान पर चरवाहे ककड़ी उगा रहे थे और उन्होंने भगवान श्री गणपति को खीरा या ककड़ी अर्पित की, तो तब से इस जगह को साउथ एकड़ा भी कहते हैं। और पुरानी कथाओं के अनुसार यह मंदिर शाही परिवार द्वारा पूजा जाता था, तो एक बार दुश्मनों के द्वारा यह मंदिर नष्ट कर दिया गया और मूर्ति को बचाकर चरवाहे ने मूर्ति को खीरे के खेत पे स्थापित कर दिया। और बाद में जब लोगों ने यहाँ मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त की, भगवान गणेश ने सपने में आकर मंदिर ना बनाने को बोला और भगवान ने खुली हवा में रहने की इच्छा व्यक्त की और उन्होंने कहा अगर मंदिर बन जाएगा तो यहाँ पे लोगों को आने में बंदिश हो जाएगी, तो उन लोगों को मतलब हमेशा पाबंदी रहेगी, वो कभी भी और कभी भी आके पूजा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने खुली हवा में रहने की इच्छा व्यक्त की। तो यह मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, आप 24 घंटे में कभी भी आकर भगवान श्री गणपति के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको चारों तरफ छोटी बड़ी हजारों संख्या में घंटियाँ लटकी हुई मिलेंगी, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है जब लोगों की इच्छा पूर्ति हो जाती है तो यहाँ लोग आते हैं और घंटियाँ बांध के चले जाते हैं। तो धर्मस्थल के अब हम मेन टेंपल में आ चुके हैं। यहाँ आप इवनिंग 4 to 8 o'clock दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ दर्शन करने के बाद हम यहाँ के मेगा किचन में जाके खाना खाएंगे और दर्शन का आनंद उठाएंगे। तो यहाँ पे फोटो और वीडियो करना मना है, तो मैंने कुछ बाहर से मंदिर के स्नैप कैप्चर करने की कोशिश की है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट एपिसोड।